जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल लातेहार में दिन रविवार 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रुचि वर्मा और डॉक्टर गरिमा प्रकाश ने कहा कि कैंसर के आम लक्षण वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह से खून आना। अगर किसी भी व्यक्ति को यह लक्षण दिखाई देता है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इन कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर के प्रभाव को कम करने और सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। मौके पर डॉक्टर रुचि वर्मा, डॉक्टर गरिमा प्रकाश, नागेंद्र कुमार, परवेज अख्तर, पंकज कुमार, करुणेश कुमार, वेद प्रकाश समेत अन्य लोग मौजूद थे। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। कि विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को हम लोग इसके बारे में अवगत करा सकें, इसके क्या लक्षण हैं, उनका क्या उपचार है, उसके बारे में लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें, इसीलिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। कैंसर जो होता है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ये छूने छाने से नहीं फैलता है। ठीक है, कैंसर के कई प्रकार होते हैं। अगर आपको मुंह का कैंसर है तो जैसे कोई तंबाकू उठकर खाते होंगे तो मुंह का कैंसर होगा, तो उसके भी इलाज हमारे सदर अस्पताल लातेहार में होती है। फिर होता है स्तन का कैंसर, उसके लिए हम लोग बताते हैं महिलाओं को कि कैसे घर पे ही अपने से जांच कर लेना है, अपने स्तनों की नियमित जांच करनी है, और यदि उन्हें कुछ लगे कि इसमें कुछ गांठ है जिसमें दर्द नहीं है या बढ़ रहा है या कोई बहुत तकलीफ है, चमड़े में सूजन है या चमड़ा अलग टाइप का हो गया है, निप्पल से कुछ श्राव आ रहा है, तो तुरंत आके दिखाना है हमारे अस्पताल में। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, हम लोग उनकी स्क्रीनिंग करेंगे कि इन्हें कैंसर है कि नहीं है। फिर एक होता है बच्चेदानी का कैंसर, उसकी भी जांच यहाँ होती है। आप महिलाओं से और सारे लोगों से कहें कि यदि किसी को भी किसी तरह की शिकायत हो वो बेझिझक हमारे अस्पताल में आए और यहाँ के हमारी सेवा का लाभ लें।